हेलो गाइस, वेलकम टू सुषमा रियल लाइफ। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है दूसरा दिन नवरात्रि का। दरबार तो पहले तो करूंगी मैं पूजा, उसके बाद आज मैं किटी है, किटी का एग्जाम करूंगी, तैयारी करूंगी और पहले पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ नवरात्रि की पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी माता की। पति है ब्रह्मचारिणी माता, बताशे में कपूर रखा था ना, मैं बता सकता हूँ चढ़ा दिया ये। तो आज पहले हमने ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की, उसके बाद देखिए बहुत काम है मेरे पास आज, मैं बहुत तैयारी करूंगी क्योंकि आज मेरे सुंदरकांड का पाठ है। वो चांदी के चौका वाली की जय, वो सोने के छत्र वाली की जय, वो लटाल छत्र की जय, वो नई सेमरी वाली मैया की जय, वो कैला मैया की जय, वो करौली वाली मैया की जय, वो ज्वाला मैया की जय, वो चिंतपूर्णी वाली मैया की जय, दरगढ़ वाली मैया की, बेलोन वाली मैया की जय, वो सांचौली वाली मैया की जय, वो लंगरा बलवीर की जय, वो दानु भगत की जय। आज है द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र ये होता है बीज मंत्र, ब्रह्मचारिणी माता का बीज मंत्र और उनकी कथा। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के पूजन से शक्तियां असीमित अनंत हो जाती हैं, मनुष्य जीवन के परम सुखों को प्राप्त करता है। सत चित आनंदमय ब्रह्म की प्राप्ति करना कराना ब्रह्मचारिणी का स्वभाव है। पूर्ण चंद्र के समान निर्मल कांतिमय और दो भुजाओं वाली ब्रह्मचारिणी का स्थान योगियों के स्वाधिष्ठान चक्र में बताया है। इनके एक हाथ में कमंडल, दूसरे में जपमाला है। भक्तों को ब्रह्मचारिणी प्रत्येक कार्य में सफलता देती है। देवी का वाहन पर्वत का शिखर बताया गया है। माँ के स्वरूप को गुड़हल और कमल प्रिय है। भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होकर दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करती हैं। ब्रह्मचारिणी माता का बीज मंत्र। ओम ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, 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 ओम ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। बोल सांचे दरबार की जय, बोल नगरकोट वाली मैया की, बोल लांगुरा बलवीर की जय, बोल सचिया जूता वाली तेरी सदा ही जय। माता रानी की पूजा हो गई है मेरी। अब मैं थोड़ा मंदिर जाऊंगी और उसके बाद घर की तैयारी करूंगी और भी कुछ, जो कि मैं आपको बताई रही थी आज मेरा सुंदरकांड का पाठ है तो उसकी तैयारी करूंगी थोड़ी। माता रानी की आरती कर लेती हूँ, अपने गोपाल जी की भी आरती करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग भी आरती लीजिएगा और मैं भी लूंगी। और सब पर माता रानी खूब कृपा बनाए रखें, सभी के परिवार खूब खुशहाल रहें, बच्चे खूब खुशहाल रहें, माता रानी की कृपा सभी के बच्चों पर खूब बरसती रहे और हमारे बच्चों पर भी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको पहले आरती लेनी है, आरती लीजिए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। और हाँ, बीज मंत्र जो मैंने बोला था उसको आप लोग भी पाठ किया करिए। बीज मंत्र बहुत अच्छा होता है देवी माता का। 9 दिन बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए, एक एक मालो तो कम से कम कर ही लेनी चाहिए। गाइज, पूरे दिन की जो दिनचर्या होने वाली है मेरे घर की, वो मैं आज आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, आज मेरी है किटी, तो सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उसमें हम किटी में ये देखिए गणपति भगवान से हम शुरुआत करेंगे और ये मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग 4 बजे से सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उसको हमने किटी का नाम दिया है सुंदरकांड का पाठ। तो ये मेरी सारी तैयारी हो गई है। ये बैठी हैं मेरी देवी माँ, ये मेरे गोपाल जी। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं क्योंकि इनका तो रहना बहुत ज़रूरी है सुंदरकांड के पाठ में। पूरी तैयारी हो गई है, ये मेरी बॉटल लग चुकी है, यहाँ पर सब कुछ तैयार है और ये मैंने टीके के लिए थाली तैयार कर ली है। किटी मेंबर्स जो भी होंगे उनको टीका लगा के हम उनका स्वागत करेंगे। किटी मेंबर्स जितनी भी होंगी उन, ये मैंने थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक सा कर लिया है क्योंकि तबीयत का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। व्रत का खाना है तो प्रिपरेशन चल रही है। ये साबूदाना गला दिया है, ये मूंगफली भून ली है मैंने और ये है आलू जिससे कि हम पूड़ी बनाएंगे। कूटू का आटा मिला के इससे हम बनाएंगे पूड़ियाँ और इसमें आलू हमने फ्राई कर लिए हैं जो खिचड़ी में डालने हैं, साबूदाने की खिचड़ी में। अब मैं निकाल लेती हूँ ये कप वगैरह, जो कि उस टाइम मुझे दिक्कत नहीं होगी अगर इनको पहले से निकाल के रख लूँगी। तो ये कप मैंने निकाल लिए हैं और थोड़े से कप और भी निकाल लेती हूँ
अभी से निकाल के रखूंगी तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम बड़ी दिक्कत होती है, भागदौड़ हो जाती है, तो पहले से मैं ये प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और आज मुझे खाने के लिए हो गई है बहुत देर, और क्या हालत हो रही है, काम करते करते मुंह भी सूख गया है। तो पहले मैं अब खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरी और भी तैयारी करूँ। ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है, कोई पाठ करना पूजा करना बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो पड़ती है। अब वो कोई बात नहीं, पर अच्छा लगता है बस। इस बहाने से एक दूसरे से सब मिल भी लेते हैं, तो देखिए हाल देखिए मेरा क्या हो रहा है। तो अब मैं खाना खा के फिर तैयार होंगी, थोड़ा सा और देखूंगी, कुछ और बचा होगा तो उसे बाद मैं करूंगी, खाना खाने के बाद करूंगी। 3:30 बज चुके हैं गाइस, अब सब लोग आने वाले होंगे, और मैंने थोड़ा थोड़ा म्यूजिक चला दिया है, भजन कीर्तन, जिससे कि माहौल थोड़ा भक्तिमय बन जाए। अब इसका मुझे पता तो है ही कॉपीराइट लगेगा, लेकिन भक्तिमय बनाने के लिए ये माहौल अच्छा लगता है। अब हमारी किट्टी मेंबर्स आने वाली होंगी, जो कि सुंदरकांड का पाठ करेंगे हम सब लोग मिलके, और देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। आप भी उसमें शामिल रहिएगा, मैं आपको सुनवाने वाली हूँ बहुत अच्छे अच्छे भजन कीर्तन में शामिल रहिए, और साथ में सुंदरकांड के पाठ में भी। तो कहाँ चलिए आगे देखते हैं, सबसे पहले मेरी कौन सी बहन रेड रेड आती तो है पिए ना सारा। और किसको फर्स्ट प्राइज मिलता है, देखते हैं। टाइम तो पूरा हो गया है। ओ माय गॉड, आइए बहुत स्वागत है, स्वागत है मेरी आइए आइए, फर्स्ट किटी मेंबर का। वेलकम। बैठिए भाभी जी, देखिए हमारे यहाँ ढोल, दो दो ढोलक है। अच्छा, वेलकम शालिनी भाभी जी, वेलकम, आइए आइए बैठिए। मेरी सुंदरकांड फैमिली अब आने लगी है, आगे आगे देखिए, आपको मजा आने वाला है। मेम्बर्स आने लगे हैं तो मैं बना रही हूँ चाय पहले। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आइए भाभी जी आइए, स्वागत है आपका बहुत बहुत। राधे राधे सभी को। इधर मेरी चाय भी तैयार हो गई है, भाभी जी हमारी लगी पड़ी है अभी नहीं निकलेगी, निकल बोल रही है क्या। गरिमा भाभी जी आ गई है, मुझे ये हेल्प मिल गई है, अब थोड़ा उधर जाके भी मैं अटेंड कर लेती हूँ उनको सभी को। चलो भाई पंचुअलिटी निकाल लो। अच्छा अभी निकाली नहीं। अच्छा निकल गई। स्टूल वगैरह लाऊं कुछ? नहीं जरूरी नहीं है। कैसी बनी है? अच्छी, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह होती है। और ले और नहीं 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 लेकिन आंटी उसमें ना जितना कम बोलोगे उतना ही ज्यादा सही है, उतना फायदे में होगा। हां नहीं तो अपना सिर दर्द पाल लो। हां भाभी सब बेला जरूर लगाना है लास्ट में। तो इधर मैंने खाना बना बना के लगा के तैयार रख लिया है, व्रत का खाना है, क्योंकि ज्यादातर बहनें सभी व्रत वाली हैं, तो खाना हमने व्रत का ही बनाया है। तो चलिए थोड़ा सा भजनों का आनंद लेते हैं। आप लोग अगर पूरा भजन सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी पे ये भजन मिलेगा, सुषमा रियल लाइफ चैनल के नाम से। Thank you.
भजन कीर्तन तो खूब कर लिया, अब हम थोड़ी देर के लिए बच्चा भी बन जाते हैं। ये दाने उठाने हैं इससे, ठीक है, और अलग ऐसे डालने हैं। हाँ टाइमर लगा देना 30 सेकंड का, ठीक है। ये एक गेम किया था छोटा सा, उसमें थोड़ी सी हो जाती है ना, तो पहले बार में सही कर रहे थे। ये ज़्यादा बढ़िया करो उससे, ऊपर को खींचो सांस अंदर। अरे पूरी चालू कर दे। हाँ ये मतलब पूरी तरह अच्छी, अभी नॉर्मल नहीं है। इसके लिए वो ले लेती मैं, रखे आई ठाके पूरा प्रोग्राम हो गया, हमारी सुंदरकांड की किटी हो गई समाप्त और सभी बहनें चली गई हैं अब हमारी, और सभी काम हो चुका है, खाना पीना हो गया। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एंजॉय किया हो आपने अगर हमारी सुंदरकांड के पार्ट में किटी में, तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए आप पता नहीं क्यों लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करिए। और कमेंट में, क्योंकि धार्मिक चीज़ होती है ना, तो धार्मिक पर राधे राधे ज़रूर लिखा करिए। इस बहाने से आप राधे राधे लिख के अपनी जवान को भी शुद्ध कर लेंगे, अपनी जीभ भी शुद्ध हो जाती है, ऐसा बोलते हैं राधा राधा बोलने से, तो राधा राधा जरूर लिखिए। सब खुशहाल रहे, हमारा देश भी और आप सब लोग भी और हम लोग भी। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। इसमें मेरा प्रसाद है, ये प्रसाद बांटा था मैंने, और ये है मेरी माता रानी, सभी बहनों का टीका किया था इससे। ये है मेरे गोपाल जी, मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया, मेरा लाडला, सब कुछ यही है, मेरी माता रानी शक्ति की देने वाली। तो मेरा प्रोग्राम, मेरी किटी बहुत अच्छी रही, और थोड़ा गेम भी हुआ, थोड़ा एंजॉय किया, सबने भजन गाए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको भी अच्छा लगा होगा, आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज। राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, कुछ भी लिखिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसा ही धार्मिक कुछ लेके। अब आजकल नवरात्रि चल रही है ना, आजकल तो नवरात्रि की पूजा में जरूर डालती हूँ, उसका मंत्र भी मैं जरूर डालती हूँ, क्योंकि वो बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र को आप जरूर पाठ करिए या सुनिएगा, सुनने से भी फल मिलता है, इसलिए आप दुर्गा माता का बीज मंत्र जरूर सुने, मैं डेली डालूंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय। राधे राधे, जय माता दी।